और चीन, ये दो देशों का रिश्ता काफी तनातनी भरा रहा है। हालांकि दोनों में दोस्ती भी अच्छी खासी है, लेकिन भारत चीन के कई मुद्दों पर चुप्पी साध लेता है, क्योंकि चीन के कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो भारत को कई राज्यों से किना करने पर मजबूर कर देते। एक चीन की नीति को लेकर धमकाने वाले चीन को भारत ने अब एक बार चुप रहकर करारा जवाब दे दिया। नमस्कार, मेरा नाम है साजेब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। चीन के कर्ज में डूबे पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों ने ताइवान संकट के बाद जहां एक चीन नीति का खुलकर समर्थन किया है, वहीं भारत ने इस पूरे मामले पर कोई बयान नहीं दिया। यही नहीं, चीन ने पाकिस्तान जैसे अपने आर्थिक गुलामों के जरिए कोशिश की कि दुनिया में एक माहौल बनाया जाए और एक चीन नीति के लिए खुलकर समर्थन हासिल किया जा सके। भारत ने चीन के उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वहीं भारत ने सीमा को लेकर हो रही बातचीत के संवेदनशील मुद्दे को देखते ही सात देशों की जो बात है उससे भारत मुकर गया। सात देशों ने समर्थन किया लेकिन चाइना का, लेकिन भारत ने इस पर चुप्पी साध ली। एक अखबार है द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने चीनी ड्रैगन की दादागिरी को देखते हुए पिछले एक दशक से एक चीन नीति के समर्थन में कोई बयान नहीं दिया। बताया जा रहा है कि भारत ने बहुत सोच समझकर इस पूरे मामले में कोई बयान नहीं दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आसियान के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, लेकिन ताइवान संकट पर कोई बयान नहीं दिया। अधिकारियों और विशेषज्ञों का कहना है कि ताइवान मामले पर भारत ने जानबूझकर कोई बयान नहीं दिया। भारत ने इस पूरे मामले में अमेरिका और ताइवान के बीच तनातनी को दिखाते हुए किसी विवाद को से खुद को बचा लिया। यानी चाइना और ताइवान के बीच जो अभी तनातनी का जो माहौल है, कसमुकस है दोनों के बीच, उस माहौल में भारत ने कोई बयान नहीं दिया और एक विवाद से अपने आप को बचा लिया। वहीं भारत ने चीन की कोई भी आलोचना भी नहीं की। भारत ने साल 2010 के बाद से अब एक बार फिर एक चीन नीति का जिक्र नहीं किया। यानी 2010 के बाद से अभी तक भारत ने एक बार भी एक चीन नीति का जिक्र नहीं किया। गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, श्रीलंका और वियतनाम के विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात की। जयशंकर ने इस मुलाकात को गमजोशी भरा बताया। उन्होंने कहा कि इस बातचीत में कोरोना, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, यूक्रेन और म्यांमार पर बातचीत की। उन्होंने ताइवान के हालात का कोई जिक्र नहीं किया। एक पूर्व भारतीय अधिकारी ने भारत की चुप्पी पर कहा, ताइवान के हालात पर भारत का एकदम चुप्पी साधना संभवतः सबसे अच्छा जवाब। भारत जहां साल 1949 से ही एक चीन नीति का पालन कर रहा है और संकेत दिया है कि वह बीजिंग की सरकार के अलावा किसी और को मान्यता नहीं देता, साथ ही भारत ने ताइवान के साथ केवल व्यापार और सांस्कृतिक संबंध ही रखे। इस बीच भारत ने साल 2008 से आधिकारिक बयानों और संयुक्त घोषणा पत्रों में एक चीन नीति का जिक्र करना बंद कर दिया। दरअसल चीन ने उस समय अरुणाचल प्रदेश को अपना इलाका बताना शुरू कर दिया था और राज्य के कई इलाकों का नाम बदलना शुरू कर दिया। उसने अरुणाचल और जम्मू कश्मीर के भारतीय नागरिकों को स्टेपल वीजा जारी करना शुरू कर दिया। मनमोहन सरकार ने चीन की नापाक चाल का जोरदार जवाब दिया था। भारत ने कड़ा कदम उठाते हुए साल 2010 में चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति हू जिनताओ और प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ के साथ तत्कालीन भारतीय पीएम मनमोहन सिंह के मुलाकात के बाद जारी संयुक्त बयानों में एक चीन नीति का जिक्र नहीं किया। उस समय ये माना गया कि जब चीन भारत की संवेदनशीलता को नहीं समझ रहा है तो हमें क्यों एक चीन नीति को दोहराना चाहिए। एक रिटायर अधिकारी ने बताया कि यह नीति में बदलाव नहीं था बल्कि एक चीन नीति को दोबारा रिपीट नहीं करने का फैसला था। मनमोहन सरकार ने साफ साफ कह दिया था कि अगर चीन की इच्छा है कि भारत की एक चीन नीति को माने तो उसे भी एक भारत की नीति को मानना हो।
इसके बाद मोदी सरकार के आने पर साल 2014 सुषमा स्वराज भी चीन के खिलाफ इसी रणनीति पर कायम रही। भारत ताजा ताइवान संकट में भी इसी नीति पर कायम रहकर चीन को कड़ा संदेश दे दिया। आगे क्या होगा ये देखने का विषय। हमने इस खबर में इतनी जानकारी आपको दे पाए और जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।